आप सब लोगों का उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइबर है सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश हामिदीद इस चैनल के ऊपर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट टोर डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट इंटरव्यूज ऑफ ऑफ रियल स्टेट मोबल्स एंड मच मोर लाइक दैट सो स्टे टू टू आवर चैनल डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल तो आज की जो वीडियो है ये बेस करती है एक और नया प्रोजेक्ट है मैं जिसकी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इस प्रोजेक्ट का नाम है ज्यूल और ज्यूल बेसिकली लोकेटेड है फेज एट बहरिया टाउन में इट इज़ आर डी ए प्रोजेक्ट एंड उसके अलावा इसके जो डिवेलपर्स है दे आर एम जी सी देर आर नोन एज मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल अगर आप लोग मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल का नाम सुने तो आपके दिमाग में ज़रूर एक चीज आती होगी कि वी हैव हर्ड अबाउट दिस पीपल तो जो लोग शायद uh, ना जानते हो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल Uh, ये लोग जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं पाकिस्तान में बहुत अरसे से ये लोग ये काम कर रहे हैं इनकी जो है सेवेंटी सिक्स से ऊपर जो है इनके आउटलेट्स मौजूद हैं केपी के और इसके अलावा राउतपंडी इस्लामाबाद और ओवरऑल और भी डिफरेंट सिटीज में सो दे आर वेरी वेल नोन बिकॉज ऑफ वट दे डू तो रिसेंटली टू थाउजेंड ट्वेंटी में दे डिसाइडेड दैट दे वॉन्ट टू जम्प इन टू द रियल स्टेट बिजनेस एज वेल उस टाइम के ऊपर जो है एमनेस्टी स्कीम भी जो है स्टार्ट की गई थी एमनेस्टी स्कीम के बारे में आप लोग जानते होंगे तो उसी टाइम पर इन लोगों ने जो है ये सोचा कि हम लोग रियल स्टेट का बिजनेस स्टार्ट करें एंड वी शुड वी शल सी दैट वेयर इट गोल्स तो दे केम विद अ वेरी गुड सॉलिड विजन और उन लोगों ने अपना सबसे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट तो किया दैट वाज नोन एज डिवाइन अब डिवाइन को तो आप जाकर देखें वो उसका ऑलमोस्ट जो है ग्रेट स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है बहुत तेज़ी से विद इन द टाइम पीरियड ऑफ वन ईयर उन्होंने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया है और अब जो उनका सेकंड प्रोजेक्ट है वो है ज्यूल जिसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी तो जी ज्यूल्स जो है बेसिकली इट्स गोइंग टू बी कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल वेंचर इसके टोटल जो है लोअर ग्राउंड से लेकर टॉप फ्लोर तक जो है इसके एटीन फ्लोर्स हैं और इसके जो फर्स्ट थ्री फ्लोर है दे आर बेसमेंट दे आर ऑल रिजर्व फॉर पार्किंग उसके बाद जो है ऊपर जो है इसके शॉप्स आती हैं फॉर द द्री टू फोर फ्लोर्स इधर यहाँ पर इंफिनिटी पूल भी लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद जाके जो है दिस इज़ गोइंग टू बी वन कल्चरल काइंड ऑफ थिंग वो पूरा का पूरा फ्लोर जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए रिजर्व किया गया है जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है जी के हवाले से यहाँ पर होगा ये कि हमारे डिफरेंट जो सूबे हैं जैसे पंजाब है तब पखतूनख्वा है उसके अलावा सिंध है बलूचिस्तान है और मोस्ट प्रॉबली यहाँ पर कोई और भी जो है शामिल किया जाए कल्चर गिल, -गिल, -गिल बल्तिस्तान हो गया या फिर कुछ भी और तो यहाँ बेसिकली होगा ये इस फ्लोर के ऊपर कि डिफरेंट जो कल्चरल जो है शॉप्स होंगी एनी थिंग देट यू वॉन्ट टू बाय रिलेटेड टू दैट कल्चर आप लोगों को उस कल्चरल जो है फ्लोर के ऊपर वो चीज़ें आराम से दस्तियाब होंगी डिफरेंट शॉप्स होंगी दे विल लुक लाइक मतलब उसकी जो थीम होगी उसको देखकर ऐसे लगेगा पता चल जाएगा आप लोगों के हम लोग अभी पंजाब की कल्चरल शॉप में जा रहे हैं या फिर अभी हम सिंध की कल्चरल शॉप में जा रहे हैं अभी हम बलोचिस्तान की कल्चरल शॉप में जा रहे हैं उसको पूरा जो है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसको पूरा कल्चरली जो है उसको थीम उसका स्टाइल दिया गया है तो दिस इज़ समथिंग दैट आई फाउंड वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज आई फील लाइक कि कहीं कही ना कहीं हमारा कल्चर जो है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में जो है वो थोड़ा सा दब सा गया है तो इट्स अ वेरी गुड वेंचर के आप लोग एक ऐसी जगह पर जाएँ जो आपको आपके कल्चर की याद दिलाए और वहाँ से आप लोग शॉपिंग भी कर सकें सो इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट उसके बाद जो है uh, इस प्रोजेक्ट के जो है डिफरेंट uh, जो है दो फ्लोर्स हैं और दो फ्लोर्स के बाद उसकी बिल्डिंग सेपरेट हो जाती है एक साइड पर जो है होटल सर्विस अपार्टमेंट्स है और दूसरी साइड पर नॉर्मल जो है अपार्टमेंट्स है स्टूडियो वन बेडरूम टू बेडरूम अपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे जो होटल सर्विस पर बेसिकली एक काफी रिनोन जो है होटल सर्विस दे उनका जो है एमओ ऑलमोस्ट जो है होने वाला है इट्स इन द प्रोसेस मगर ये समझें कि बहुत जल्द उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इट इज इट हैज बीन गिवन टू अ होटल बेसिकली इट्स अ वेल नोन होटल तो ये होटल सर्विस अपार्टमेंट्स जो है उनके होंगे और इसके जो है दूसरी बिल्डिंग में जो है नॉर्मल अपार्टमेंट्स होंगे उसके अलावा यहाँ पर बहुत सी और चीज़ें भी दी जाएंगी डिफरेंट नीचे वाले जो फ्लोर्स है कल्चरल फ्लोर के बाद जो है यहाँ पर एक और फ्लोर होगा जहाँ पर स्पा जिम एंड ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज़ विल भी अवेलेबल इट इज गोइंग टू बी बेसिकली कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल मिक्स वेंचर और मजे की बात इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये है कि इट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट उसके सराउंडिंग में बहुत से और प्रोजेक्ट्स भी हैं एंड वट्स वॉकिंग टू मी एंड सरप्राइजिंग कि इसके जो रेट्स हैं वो कितने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट्स दैर आर अराउंड और यहाँ पर जो लोग अभी इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है बिकॉज़ याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली अगर हाई राइजेस के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर प्राइजेस ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही होती हैं वो हमेशा आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है बजाय उस प्रोजेक्ट के जो कि स्टार्ट ही मैक्सिमम से करें क्योंकि वो अपनी लिमिट रीच कर जाता है फिर तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी वो बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन एक प्रोजेक्ट जो कि एक मीडियम रेंज से स्टार्ट करे और फिर आहिस्ता 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 अपनी प्राइजेस को बढ़ाए वो हमेशा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है एंड अगर उसके डेवलपर्स भी जो है इसी तरह के ऑथेंटिक डेवलपर्स हों जो लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं लीगैलिटीज उनकी कोई इशू नहीं है कंस्ट्रक्शन तो का काम स्टार्ट हो चुका है उनके पास पैसों का कोई मसला नहीं है पैसों का उनके पास बैकअप है दे हैव वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट बेशक उनको अपने एंड यूजर से पैसे ना मिल रहे हो लेकिन वो खुद इतनी कह सकते हैं कि वेल्दी पार्टी है कि वो अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं तो दिस इज द मेन थिंग एंड दिस समथिंग दैट आई वुड वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू ठीक है तो दिस प्रोजेक्ट इज माय फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स फॉर दिस रीजन बहुत अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है बहुत यूनिक चीज बनने जा रही है बहरिया टाउन में और बहुत ही ज्यादा कह लें कि मेरी नजर में एंड यूजर्स को रखे बहुत ही एक फ्रेंडली प्रोजेक्ट है थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों के साथ इसकी एरिया के हवाले से शेयर करूंगी टोटल जो इसका एरिया है इट इज बेस्ड ऑन ट्वेल्व एंड हाफ कनाल्स लेकिन जो ये uh, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये साढ़े छह कनाल के ऊपर बनाया जाएगा ठीक है और वो जो बाकी का एरिया है बाद में उसको यूटिलाइज किया जाएगा मे बी फॉर पार्किंग फॉर एनी अदर थिंग मगर जो उसका ओवरऑल टोटल जो उसकी एरिया uh, है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट है जो सॉरी जो ये बिल्डिंग है बन रही है इट इज सिक्स पॉइंट फाइव कनाल्स और फर्दर मैं आप लोगों से कुछ चीजें इसकी अमिलिटीज के बारे में शेयर करना चाहूंगी काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसकी बता दी जनरली यहाँ पर लिफ्ट हैं कार्गो लिफ्ट हैं सेपरेट एंट्रेंसेज हैं ठीक है, है, है तो अगर आप लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं जो लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं दे केन नॉट गो टू द अपार्टमेंट्स और जो लोग अपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं अपने वो अपार्टमेंट्स में ही सीधा जाएंगे ठीक है so, सो यहाँ पर प्राइवेसी का भी कोई इश्यू नहीं होगा प्रॉपर यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज हैं और प्रॉपरली गार्ड्स हैं यहाँ पर हर चीज का जो है बहुत उस तरीके से ध्यान किया गया है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि बहरिया टाउन में जो भी प्रोजेक्ट बन रहा होता है दे मेक श्योर कि वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना ना करें तो दिस इज़ द थिंग कि वो बहुत ही कंस्ट्रक्शन uh, क्वालिटी भी उसकी इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग और इस टाइम पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आई कैन बेट ऑन दिस फॉर अ फरोफाक के इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा सो व्यूअर्स ये कुछ डिटेल्स थी उसके अलावा फर्दर यहाँ पर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी मौजूद है ठीक है मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अगर मैं आप लोगों को पैसों के हवाले से चीज़ों को सिंपल करने के लिए बताऊं मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें फॉर एग्जांपल आप पूरी शॉप नहीं खरीदना चाहते आप कुछ स्क्वेयर फीट खरीदना चाहते हैं तो आप पंद्रह लाख जो है वहां से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी क्योंकि ऑफकोर्स कमर्शियल प्रोजेक्ट है मिनिमम भी यहाँ पर पंद्रह लाख इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके ऊपर जो है आपको रिटर्न मिलेंगे डिस्काउंट जिसको बोला जाता है हर महीने ठीक है जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता और उसके बाद भी फिर वो रिटर्न जो है कंटिन्यू होता है लेकिन फिर उसके बाद वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है क्योंकि आ, अगर आपने कुछ स्क्वेयर फीट बाय किए हैं तो आपको उस स्क्र फीट के तो, मतलब उस प्राइस के हवाले से फॉर एग्जाम्पल पंद्रह लाख आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट वाले कितनी परसेंटेज पे आप लोगों को आर दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आर बहुत अच्छा दे रहे हैं इट्स अप्रॉक्सीमेटली वन एंड मोर देन दैट तो अगर आप लोग यहाँ पर पंद्रह लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं मिनिमम तो आप लोगों को बीस हजार हर मंथ रेंटल्स मिलेंगे ठीक है तो ये एक ऐसी चीज़ है कि समझ में आती है बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आप लोग बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहे हैं लेकिन द फैक्ट इज के आई डोंट थिंक सो वो प्रोजेक्ट कभी बिल्ड भी हो सकेंगे या ख़त्म भी होंगे बिकॉज़ ये जो मार्जिन होता है ना बीच में किस तरीके से डिस्काउंट देना है किस तरीके से जो है लोगों को ज़्यादा रिटर्न्स देने हैं महीने के इसकी कैलकुलेशंस जो है ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है ठीक है और जो लोग कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा रेंटल्स देने शुरू हो गए हैं आई एम सॉरी टू से दिस बट यू शूड नेवर इन्वेस्ट ऑन सच प्रोजेक्ट्स अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से आपको लगा आपने किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि वो प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि जितने भी लोग ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉडनरी वो प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट नहीं होते हैं रियली कम्प्लीट होते हैं सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू बी शोर ऑफ कि पहले इव्स्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी तहकीक अपनी पूरी कर लें फर्दर मोर इसकी अमेनिटीज़ जो है मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं Uh, इसकी सराउंडिंग के बारे में लोकेशन के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल पास है फेज़ एट में ये लोकेटेड है ठीक है और इसके पास ही डोमिनियन मॉल है एक दो और मॉल्स भी हैं जो बन रहे हैं मोर देन दैट फेज़ एट की जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम प्रीमियम लोकेशन है इस्लामाबाद रावलपिंडी और वहाँ से उसके बाद जो है बहुत ईजीली एक्सेसिबल है स्कूल्स कॉलेज हॉस्पिटल्स ग्रोसरी स्टोर्स हर चीज़ सराउंडिंग में बहुत करीब है यानी कि इसकी लोकेशन बहुत ऐसी लोकेशन है कि एक तो आपको अपनी बिल्डिंग में भी सारा कुछ मिल रहा है ठीक है और उसके अलावा अगर उसके अलावा बाहर से भी अगर आप कुछ बाय करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से भी फैसिलिटेशन जो है आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाएगी हर तरह से चाहे वो खाना पीना हो स्कूल्स हो कॉलेजेस हो यूनिवर्सिटी हो कुछ भी बहुत इजीली इट विल बी एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है आज ही कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकूँ और इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी आप लोग डिटेल्स हासिल करना चाहते हो कॉमेंट्स में मुझसे पूछ लें दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड स्पेशली यू हैव टू हिट द बेल आइकन ताकि जब भी हम एक नई वीडियो पोस्ट करें तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए अगली दफ़ा तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अमानत डॉट कॉम पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल मशवरा अमानत है